तो वेलफेयर स्टेट के चलते जो संकल्पना की गई थी उसमें ऐसा है कि जो भी जनता है, जनता के स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, जनता के आपदा के समय खाने पीने की व्यवस्थाएं, जनता के रोजगार की व्यवस्थाएं, जनता के एजुकेशन की व्यवस्थाएं, इस तरह की हर तरह की व्यवस्था जो है एजुकेशन से लेके फूड तक, वो जिंदगी को बचाने के लिए मैं अगर बात करूँ तो वो सरकार की होती है। लेकिन हमारी सरकार के पास में बिल्कुल टाइम नहीं है, हमारी सरकार के पास में ये फालतूगिरी करने का टाइम नहीं है। हमारी सरकार कहती है कि हम सिर्फ इलेक्शन पर ध्यान देते हैं, आपकी फालतूगिरी आप खुद संभालिए, हमारे पास में इतना फालतू टाइम बिल्कुल भी नहीं है, कदापि हमारे पास में इतना फालतू टाइम नहीं है। अगर आपके पास में इतना फालतू टाइम है तो निजी लोग आगे आके मदद करें, और निजी लोग ही आगे आके जो है खाना खिलाएं, निजी लोग ही आगे आके जो है सरकार का जो भी खर्चा वर्चा जो भी लोगों के लिए करना है वो निजी लोग ही करें, निजी कंपनियां करें, और यही सब जो है वो हमारी सरकार का शुरू से नाटक रहा है। और देश में मंदिर मस्जिद तो खुल गए हैं लेकिन संसद अभी तक खुल नहीं रहा है, और सियासत जो है लगातार चल रही है, अलग अलग तरह की घोषणाएं जो है सरकार की तरफ से सुनने में आ रही है, और सरकार के बड़े बड़े जो है हाईटेक सेंटरों से वर्चुअल रैलीज हो रही है, लेकिन संसद भवन खुलने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में ये पता नहीं है जनता को कि संसद में सरकार के अलावा विपक्ष भी होती है, विपक्ष का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये हमारे देश की जनता को पता नहीं है। तो विपक्ष से बचने के लिए, विपक्ष से बजाय सलाह मशवरा करने के, हमारी सरकार विपक्ष से बच रही है, और विपक्ष के किसी भी सुझाव पे मजाक उड़ाए जा रहे हैं, जोक उड़ाए जा रहे हैं, यही हमारी वेलफेयर स्टेट है अनफॉर्चुनेटली, और हमको इसी के साथ चलना पड़ेगा ऐसा देखने में आ रहा है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, वेलफेयर स्टेट के चलते, अगर संकल्पनाओं के चलते सरकार को हमारी मेडिकल फैसिलिटीज का ध्यान रखना है, तो फिर हमारे देश में जो अस्पताल है उनकी इतनी कंडम हालत क्यों है, और मजदूर ठीक होने की बजाय वहां पर और ज्यादा बीमार हो जाते हैं और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन इन सारी बातों पे मीडिया को बिल्कुल सवाल नहीं उठाने, क्योंकि मीडिया जो है वो तो गोबर का भी केक बना देती है, मीडिया को इन सब बातों से मतलब नहीं होता, मीडिया को सिर्फ सरकार की वाहवाही करनी होती है, उसके अलावा मीडिया के पास में दूसरा कोई काम नहीं है, सच कोई काम नहीं है। हम लोग जहां इतनी नौकरशाही के चलते इतना हैवी टैक्स देते हैं, इतना ज्यादा हैवी टैक्स देते हैं मेडिकल दवाइयों पर और मेडिकल सुविधाओं पर, हम लोग इतना ज्यादा टैक्स देते हैं, एक गरीब इंसान अगर एक पार्ले जी का बिस्किट भी खरीदता है 5 रुपए का 10 रुपए का तो भी वो उस पर बहुत ज्यादा टैक्स देता है। इतने टैक्स देने के बावजूद हमारे यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो बहुत ही ज्यादा बद से बदतर है, और इतनी ज्यादा बुरी है कि बता पाना बहुत ही मुश्किल है। आज जो 10 से 12 हजार पेशेंट्स जो है एक दिन में आ रहे हैं, अगर हमारे यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती, हमारे यहाँ पे प्रॉपर पीपी किट्स अवेलेबल होते, हम लोग सब लोगों की टेस्टिंग कराने में सक्षम होते, तो शायद इस तरह की नौबत ही ना होती, और लॉकडाउन में हमारी मेडिकल फैसिलिटीज के चलते अगर हम सारे इंतजाम जो अच्छी तरह से कर लेते, बजाय हम 3000-4000 करोड़ की मूर्तियां बनाने के बजाय 144 करोड़ जो है सिर्फ एलईडीज के पीछे खर्चा करने के, हम अगर 15 लाख के पर वेंटिलेटर के हिसाब से फैसिलिटीज से भरे हुए हॉस्पिटल्स बनाने में कामयाब हो जाते लॉकडाउन में, तो शायद हमारी जाने बच सकती थी, हमारे देश के मजदूरों की जाने बच सकती थी। हमारी जो सब्सिडी है सरकार की वो 1,15,000 से 1,16,000 करोड़ की हमें मेडिकल सब्सिडी जो है हमारी सरकार के पास में होती है, जो कहाँ जाती है हमें आज तक समझ में नहीं आया। उसके बाद में हमने देखा है कि निजी जो संस्था है वह सरकार से ज्यादा अच्छा काम कर रही है, पार्ले जी का जो उत्पादन है बिस्कुट, पार्ले जी बिस्कुट का उत्पादन जो है हमारे यहाँ पे लॉकडाउन के चलते बढ़ा है, मास्क का उत्पादन बढ़ा है, सैनिटाइजर्स का उत्पादन बढ़ा है, बहुत सारे उद्योगपतियों ने सैनिटाइजर्स और मास्क और मेडिसिन को जो है मिलियंस और बिलियंस लोगों तक पहुंचाया है, जो बहुत ही तारीफ काबिल काम है। वेलफेयर स्टेट के चलते हम देखें तो लोन देने की जो व्यवस्था है वो भी सरकार को करनी चाहिए, और लोन देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए बिना इंटरेस्ट के आपदा के समय, लेकिन हमारी सरकार ने बैंकों को मात्र 8 लाख करोड़ रुपए दिए हैं और उसमें भी हमसे इंटरेस्ट वसूल किया जाएगा। तो इस यहाँ पर भी हमारी बैंकिंग सेक्टर में भी देखें तो हमारी वेलफेयर स्टेट की संकल्पनाएं पूरी तरह से एक फ्लॉप मॉडल के रूप में उभर कर आ रही है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो भारत में दवाइयों के ऊपर बहुत सारा टैक्स है, और
इतनी ज्यादा टैक्स की जरूरत क्या है दवाइयों को, जब हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल्स की हालत ही बहुत खराब है? टेस्टिंग इतनी कम क्यों हो रही है? मेडिकल पे इतना कम खर्चा क्यों हो रहा है, जबकि हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? लेकिन अगर हम देखेंगे दूसरे देशों के मुकाबले, तो हमारे देश में सबसे कम खर्चा जो है सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पे सबसे कम खर्चा हो रहा है। और क्यों हो रहा है ये मैं आपको बता नहीं सकती कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन हम देखेंगे कि बिजली उत्पादन जो है, कोल उत्पादन जो है, हमेशा 6 सालों से कम रहा है, इस सरकार में पर्टिकुलरली कम हो गया है, और सिर्फ फर्टिलाइजर्स का उत्पादन जो है ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन उसमें भी किसानों की मौत का डाटा छुपाया जा रहा है। तो आप समझ जाइए किस तरह की वेलफेयर स्टेट जो है हमें देखने को मिल रहा है, किस तरह से वेलफेयर स्टेट की संकल्पनाएं जो हमें सामने देखने को मिल रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि काफी सारे जो निजी अस्पताल हैं उनके रेट जो है रेगुलेट नहीं हो रहे हैं। सरकार को चाहिए था कि वो एक कॉलिंग नंबर की व्यवस्था करती, जिसके चलते निजी अस्पताल में भी उतने ही कम रेट पर इलाज हो पाता जितने कम रेट पर जो है इलाज जो है सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा था। खैर, दुख की बात तो यह है कि निजी अस्पताल भी अपने वही दवाइयां दे रहे हैं जो अपने मतलब किसी भी तरह के एक्स्ट्रा फैसिलिटीज की दावा करने में अक्षम है, बिकॉज कोरोना की तो कोई दवाई है ही नहीं। जो सरकारी अस्पताल देंगे वही दवाई जो है प्राइवेट अस्पताल भी देंगे, वही निजी अस्पताल आई मीन टू से। तो कहने का मतलब ये है, दवाइयां अगर सेम है, कोरोना का ट्रीटमेंट अगर सेम है, क्वारंटाइन ही करना है, तो फिर सरकार द्वारा जो है मेडिकल स्तर पे निजी अस्पतालों के रेट्स को रेगुलेट क्यों नहीं किया गया, जो बहुत ही दुख का विषय है आई मीन टू से। चलिए, लेकिन हम देखेंगे कि हमारे देश में बिजली कंपनियां जो है, पूंजीपति बिजली कंपनियां, उनके बिल माफ कर दिए गए हैं। उनके बिल माफ करने से हमें क्या फायदा मिल रहा है, कैसे फायदा मिल रहा है, ये अभी समझ पाना बहुत मुश्किल है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार इसको समझा पाने में समर्थ होगी कि अगर बिजली कंपनियों के इतने ज्यादा भयंकर जो है लोन्स है और उनके जो खर्चे हैं वो माफ किए जा रहे हैं जो उन्होंने सरकार से कभी लिए थे, तो फिर हमें उसकी जो है फैसिलिटीज क्यों नहीं दी जा रही, हमें उसकी बेनिफिट क्यों नहीं दिए जा रहे हैं आई मीन टू से, राइट? लेकिन यही है दोस्तों, चाणक्य ने कहा था कि एक राजा को स्वार्थी और लालची नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारी सरकार में स्वार्थीपन और लालचीपन दोनों ही पिछले 6 सालों में नजर आ रहा है। हमारी सरकार स्वार्थी ही नहीं, भयंकर रूप से लालची भी है। और मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें लगातार कम हो रही है पिछले 2-3 सालों से, वहीं पर हमारे यहाँ पर पेट्रोल पर लीटर एक्साइज ड्यूटी जो है 9.48 से बढ़ाकर 33 रुपीज कर दी गई है। डीजल पे एक्साइज ड्यूटी जो है 3.56 से बढ़ाकर पर लीटर 3.56 से बढ़ाकर पर लीटर जो एक्साइज ड्यूटी जो है 31.83 कर दी गई है। उसके बाद में हम देखेंगे कि पेट्रोल की कीमत तो 10 रुपए बढ़ गई है, डीजल की कीमत जो है 16-17 रुपए से ज्यादा बढ़ गई है। उसके बाद में जहां पर WTI का रेट इतना नेगेटिव है, और जो ब्रांड क्रूड है जो हम लोग लेते हैं, जो इंडिया जिससे ऑयल बनाता है, ब्रांड क्रूड जो हम लेते हैं उसका जो प्रति बैरल जो रेट है वो $15 से $20 ही है, तो $15 से $20 ही प्रति बैरल का रेट है। उसमें भी हमें इतने ज्यादा पेट्रोल और डीजल के भाव क्यों देने पड़ रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा सोचने लायक बात है कि हमारी सरकार क्या इतनी ज्यादा लालची हो सकती है जितनी लालची ये नजर आ रही है। कह रहे तो आप लोग बेटर समझ सकते हैं। जहां तक चीन और नेपाल की जो है आक्रमण का विषय, मैं आपको बता दूं कि हमारे रक्षा मंत्री और जो हमारे गृह मंत्री है और हमारे जो निशिकांत दुबे जी है जो बीजेपी के एमपी है, उन्होंने कहा है कि अरे ये जीडीपी वीडीपी ये सब देश की जो सेनाओं की क्या बातें आप करते रहते हैं, आप तो ये बात कीजिए कि हिंदू मुसलमानों की बात कीजिए, आप मंदिरों की बात कीजिए, इस तरह की बातें आपको करनी चाहिए,
कोरोना में आपको क्या ये फालतू के विषय समझ में आ रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम और ये जीडीपी जीडीपी क्या लगा रखा है, ऐसा निशिकांत दुबे जी का कहना है। मैं आपको बता दूं कि नेपाल ने जो है हमारे यहाँ की लिपू लेक करके एक झील है और हमारे यहाँ का एक काला पानी नाम का एरिया है, वो नेपाल गवर्नमेंट ने अपने नक्शे में दिखा के उसको अपने संसद में पास तक करवा लिया है। उसके बावजूद भी रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि नेपाल से हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। बताइए, हमारे रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि नेपाल से हमारा जो है वो रोटी बेटी का रिश्ता है और हमारे जो है संस्कारों का नाता है, हमारे धर्म का नाता है नेपाल से। तो आप बताइए कि ऐसे हालात में नेपाल के इरादे मजबूत नहीं होंगे? कल को वो हमारे दो और एरियाज को अपने नक्शे में दिखा के अपना एक्ट वैक्ट पास करवा के जो है निकल लेगा और हम सिर्फ ऐसे फालतू के डर के बयान देते रहेंगे। उसके बाद में नितिन गडकरी जी ने कहा है, जैसे चाइना 7 किलोमीटर अंदर आ गया था, नितिन गडकरी जी ने ये कहा है कि चाइना से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम तो सिर्फ अमन और शांति चाहते हैं। तो नितिन गडकरी जी से ये पूछिए कि फिर वो अंदर कैसे आया, अगर चाइना को भी यही चाहना चाहिए तभी तो आप ऐसा चाह रहे हैं, तो फिर चाइना इतने अंदर कैसे घुसाया हमारे देश में। सो इन सारी बातों के चलते समझ में आ रहा है कि हमारे देश में सिर्फ बेकारी और बेकार बयानबाजी ही चल सकती है और तो कुछ बेहतर हो नहीं सकता है। और हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और ज्यादा स्वार्थी बनने की और लालची बनने की हमें भी जरूरत नहीं है सरकार के साथ साथ, क्योंकि हम स्वार्थी और लालची बन भी जाएंगे तो भी कहीं बैंकें डूब रही हैं तो कहीं पर हमारी जेब खाली की जा रही है टैक्स के नाम पे। हर प्रोडक्ट का एमआरपी बढ़ बढ़ के आ रहे हैं कोरोना के बाद में, जहां लोग कमा नहीं रहे हैं, स्कूल की फीस बढ़ बढ़ के आ रही है, सब कुछ जो है इतना ज्यादा महंगा हो गया है, दवाइयां महंगी हो गई है। तो मुझे लगता है कि आप कमा भी लेंगे और लालच थोड़ा सा बना भी लेंगे अपने अंदर, स्वार्थी भी बन जाएंगे तो ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। फायदा होने वाला है कि आप चीजों को समझ के जान के थोड़ा सा रिसर्च करके एनालिसिस करके आप अपने फायदे की बात सोचे कि आपका फायदा कैसे हो सकता है और आप कैसे सरकार से आप सवालबाजी पूछते रहेंगे और सवाल पूछ पूछ के आप सरकार से जो है वो जो है करप्शन को रोकने की जो है मुहिम चलाएंगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। आपको आए दिन नया जुमला परोस दिया जाएगा, आप जुमले खाते रहेंगे और जुमले ही पहनते रहेंगे और जुमले ही जीते रहेंगे और तो कुछ होने वाला है नहीं। उसके बाद में हमने देखा है कि बहुत सारी जो लेडीज पुलिस शराब बेचती है, लेडीज टीचर शराब बेचती है, लेडीज वर्कर शराब बेचती है, सरकार हर त्यौहार पर सिर्फ शराब की बिक्री पर ही ध्यान देती है बजाय कि जनता की संपन्नता के और समृद्धि के और कुछ टैक्स में रिलीफ के, सरकार सिर्फ शराब बेचने पर ध्यान देती है। ऐसा सरकार क्यों करती है? आप सभी लोगों को पता है कि सरकार को जो है शराब से अच्छी खासी कमाई सरकार की जेब में जाती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि हमारे यूपी में 70,000 जो शिक्षक है उनकी भर्ती को रोक दिया गया है, क्योंकि वहां पर काफी शिक्षकों की भर्ती में योगी जी की सरकार में शिक्षकों की भर्ती में काफी सारा फर्जीवाड़ा सामने आया है देखने में। तो ये जानने की जरूरत है कि अगर इस तरह का फर्जीवाड़ा योगी सरकार के सिर्फ शिक्षकों की भर्तीबाजी में हो रहा है तो बाकी जगह पे आप समझ सकते हैं। एक दो मैंने आपको मेडिकल से रिलेटेड और अस्पतालों से रिलेटेड मैंने आपको कुछ फर्जीवाड़े बताए थे और अब आप समझ जाइए कि किस तरह का फर्जीवाड़ा जो है और दूसरे क्षेत्रों में भी किया जा रहा होगा। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि FCI के पास में इतना सारा फूड है, उसके बाद भी सरकार जो है उस फूड को मजदूरों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है और तो और वो फूड जो रखा खराब हो जाता है, गेहूं रखा खराब हो जाता है, दालें रखी खराब हो जाती है, बहुत सारी सब्जियां और टमाटर बहुत सारी चीजें जो है रखी खराब हो जाती है क्योंकि हमारे पास में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम सदियों से चली आ रही है, जब से भारत देश आजाद हुआ है तब से ये प्रॉब्लम्स चली आ रही है। बहुत सारी सरकारें आती है जाती है मगर इस तरह की प्रॉब्लम्स को कतई सॉल्व नहीं किया जाता है। हम तो धन्यवाद करते हैं उन प्राइवेट लोगों का और निजी संस्थाओं का जो कोरोना के समय में हमारे देश की जनता को पाल पोस रही है, गरीबों का पेट भर रही है, 20-20, 30-30 लाख लोगों को
लंगर में खाना खिलाया जा रहा है। नोएडा और गुड़गांव की बहुत सारी जो है एक हाउस होल्ड टाइप की जो संस्थाएं हैं, बहुत सारे गरीब लोगों का पेट भर रही है। बहुत सारे बिजनेसमैन जो है पीपीई किट मास्क जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जनता के बीच में। एक एक मैंने सुना था 85 इयर्स की महिला है साउथ में, जो 1 रुपए में इडली जो है कोरोना के टाइम पे लोगों को खिला के उनका पेट भर रही है। उसके बाद में एक उनको इडली अम्बा भी कहा जाता है। उसके बाद में एक एक पंजाबी महिला कौर करके हैं, उन्होंने 100 साल की महिला है, आप यकीन करिए, उन्होंने मास्क सिलकर उन्होंने मास्क सिलाई मशीन पे मास्क सिल के उन्होंने कोरोना काल में जनता की मदद कर रही है वो। तो मदद छोटी हो या बड़ी हो, मदद मदद होती है और मदद को जो है पूरे दिल से करना चाहिए। लेकिन इस तरह की मदद करने की जिम्मेदारी, इस तरह की मदद करने की संकल्पना जो है सरकार लेती है, लेकिन सरकार अभी किसी भी तरह की मदद करने के लिए जो है जागरूक नहीं हो रही है। तबलीगी जमात करने वाले बहुत सारे न्यूज नेशन जी न्यूज वाले लोग जो खुद कोरोना के शिकार है, न्यूज नेशन के भी काफी सारे एम्प्लॉयज जो है कोरोना के शिकार है, जी न्यूज के लोगों की 35 लोग कम से कम कोरोना के शिकार हैं। इस तरह के जो मीडिया के लोग हैं, जमाती तबलीगी जमात वालों को बदनाम करने वाले, तबलीगी जमात जैसे ही ठीक हो गए और जिस तरह से क्वारंटाइन से बाहर निकले, जैसे ही वैसे उन्होंने ब्लड डोनेशन कर करके जो है कोरोना टाइम में मुहिम चलाई है जनता की मदद करने की। उसके बाद में बहुत सारी जो कंपनियां हैं, निजी कंपनियां, उन्होंने एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सी क्लोरोफिल नाम की जो दवाई है, जो ड्रग है, उसको बना के जो है उन्होंने कोरोना काल में बचाव का काम किया है। सो इस तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो निजी लोग कर रहे हैं, निजी संस्थाएं कर रही है, प्राइवेट लोग कर रहे हैं, लोग अपने निजी तौर पे कर रहे हैं, अपने डे टू डे बेसिस पे। मैंने बहुत सारे लोगों को, मैंने आपको पहले भी बताया था, खाना बांटते हुए देखा है, पार्ले जी बिस्किट बांटते हुए देखा है। तो सरकार फिर इस समय क्या करी, सरकार का काम था कि गरीबों को 10-10 हजार पर माह के हिसाब से, योजनाओं के हिसाब से, मनरेगा या जो भी उनकी और भी योजनाएं हैं, गरीबी कल्याण योजनाएं, उसके तहत उनको 10 हजार रुपए जो जनता के अकाउंट में ट्रांसफर करने थे, सरकार ट्रांसफर नहीं कर रही है। और सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या ट्रांसफर हो रहा है, क्या ट्रांसफर नहीं हो रहा है। सरकार के जो मंत्री है वो यही कहते हैं कि ये मिलेनियल का प्रॉब्लम है, ये जनरेशन का प्रॉब्लम है, ये डिजिटल का प्रॉब्लम है, और ये फलाने का प्रॉब्लम है, ये गरीबों का प्रॉब्लम है, ये किसानों का प्रॉब्लम है, ये मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, ये जो है पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है। इस तरह से कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी के ऊपर जो है जिम्मेदारी का ठिकरा सरकार फोड़ देती है, लेकिन किसी भी तरह से सरकार जिम्मेदारी लेने में सक्षम नहीं है। सरकार का काम है विधायक खरीदना, सरकार का काम है इलेक्शन में धुआंधार पैसे उड़ाना और धुआंधार तरीके से रैलियां निकालना, धुआंधार तरीके से जो है LED लगाना। और अभी सुनने में आए हैं जयपुर में तो कुछ जो है, किसी 5-स्टार होटल का मैं नाम नहीं लूंगी, कुछ लोग जो है बहुत सारे पैसों के साथ में जो है बैठे हुए थे, विधायक खरीदने की तैयारी चल रही है और अशोक गहलोत सरकार को जो है पटाने की कोशिश चल रही है बीजेपी की। तो बीजेपी के पास में एक ही काम है जो वो बहुत अच्छे से करती है, जो वो है फर्जीवाड़ा। और क्योंकि सरकार जो होती है आपकी माई बाप होती है, और अगर आपके माई बाप अगर गलत दिशा में है तो आप उनको भी सही दिशा दिखा सकते हैं, क्योंकि सवाल है देश का, सवाल है हमारे भारतवर्ष परिवार का। हमारा भारत एक परिवार है और हम भी आवाज उठा सकते हैं एक नागरिक के तौर पे, एक परिवार के सदस्य के तौर पे। हम सरकार से बात बिल्कुल कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, हर तरीके से बात कर सकते हैं, और सब लोगों को हर तरीके से बात करने की जरूरत है, आगे आने की जरूरत है, आगे आके अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है। मैं भी अपनी आवाज बुलंदी से उठा रही हूँ, क्योंकि आई डोंट हैव अ माइक राइट नाउ, आई एम यूजिंग जस्ट मोबाइल कैमरा साउंड। सो इस तरह से आप लोगों को भी अपनी लाइफ में अपनी आवाज उठाने की जरूरत है, चीजों को जितना हो सके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो आप ज्यादा अच्छी तरह से बेहतरी से बात कर पाएंगे। आप किसी के जुमले में नहीं फंसोगे, झूठे आडंबरों में नहीं फंसोगे, एडवर्टाइजमेंट में नहीं फंसोगे, और जो अंधभक्त का चश्मा है, अंधभक्ति का चश्मा है, अंधभक्तों का जो चश्मा है वो निकल जाना चाहिए फौरन। इस तरह का समय आ गया है
और कोरोना काल ने हमको बहुत कुछ सिखाया है और सिखाया है कि एक दूसरे की मदद करें। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ इस ज्ञान के द्वारा। मुझे लगता है कि आप इस ज्ञान को लेंगे, समझेंगे और भी जानकारी इकट्ठा करेंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे। हिंदू युवा वाहिनी टाइप की बहुत सारी जो है युवा सोच की जरूरत है और बहुत सारी नई पार्टियों की जरूरत है जो नए लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझ के लेना चाहिए।